ये स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आरडी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 14 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलो। नीचे जो क्वेश्चंस है उसमें हमको करेक्ट अल्टरनेटिव को मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन इज। देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन को ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन। एक इक्वेशन है, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये मॉडुलस के साइन को हम हटाएंगे दो कंडीशन से, अगर ये अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो तो ये मॉड का साइन हटके इसके सामने प्लस साइन आ जाता है, और अंदर की वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो तो मॉड का साइन हटके सामने माइनस का साइन आ जाता है। तो पहली कंडीशन में ये ले लेता हूँ, सिंस एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, माइनस वन को इधर शिफ्ट कर दो। तो जब x इज ग्रेट x माइनस वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा तो ये मॉड का साइन हटा के प्लस साइन ले लेते हैं। आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन ऐसा आ गया, कब, जब ये अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस वन और ये वन को इधर शिफ्ट कर लो तो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, इसकी मिडिल टर्म एक्स को हम ऐसा स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मीन्स माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाए और प्लस करने पर एक्स हो जाए। प्रोडक्ट इसका नेगेटिव, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन सम पॉजिटिव है इसका मतलब बिगर नंबर पॉजिटिव होगा। तो एक नंबर ले लेते हैं 2x प्लस वाला और x माइनस वाला, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर और दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। चेक करके देख लो, 2x इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस एक्स। दो में से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ x कॉमन आ गया, ये x प्लस टू, थर्ड टर्म का साइन माइनस है तो ये माइनस, और x और टू में से माइनस वन कॉमन निकाल लेते हैं तो ये x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। दोनों ब्रैकेट में एक जैसी क्वांटिटी बचती है, आप ये x प्लस टू का ब्रैकेट कॉमन निकाल लो, विच एम्प्लाइज x प्लस टू, ये कॉमन निकाल लेते हैं x बच गया और ये माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, आइदर x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस टू और x इज इक्वल टू वन। देखो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन होना चाहिए, माइनस टू नहीं हो सकती, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन में माइनस टू नहीं आता, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। बट x इज नॉट इक्वल टू माइनस टू, रीजन इसका सेंस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, x की जो वैल्यू है वो वन के इक्वल हो या वन से बड़ी होना चाहिए, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया आपका। तो अब एक वैल्यू मिल गई अपने को x इज इक्वल टू वन, देयरफॉर x इज इक्वल टू वन। तो एक सोल्यूशन तो अपने को ये मिल गया x इज इक्वल टू वन। अब सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में अगेन, कि x माइनस वन इज लेस देन जीरो हो तो ये मॉड का साइन हट जाता है और इसके सामने माइनस आ जाता है। ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगा दिया मैंने, सिंस एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो, एक्स माइनस वन अगर जीरो से लेस रहेगा तो ये मॉड का साइन हटा के यहाँ पे माइनस ले देंगे, या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं और x इज लेस देन माइनस वन को शिफ्ट कर देंगे तो प्लस वन। x माइनस वन इज लेस देन जीरो, या इसका मतलब x की वैल्यू वन से लेस होना चाहिए। करते हैं इसको सॉल्व, तो ये x स्क्वायर माइनस साइन का इनटू करें तो माइनस एक्स और माइनस का माइनस वन में करेंगे तो प्लस वन इज इक्वल टू वन। ये वन से वन को कैंसिल कर लो, इधर जीरो बचा, यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं तो ये x और ये माइनस वन इज इक्वल टू जीरो,
either x is equal to 0, either x is equal to 0, or x minus 1 is equal to 0. So, एक तो x is equal to 0 आ गया और x is equal to minus 1 को shift करेंगे तो plus 1. देखिए x की दो value आई, लेकिन x की value जो है वो 1 से less है, 1 के equal नहीं हो सकती इस condition के according. तो, but x is not equal to 1, reason इसका, since x is less than 1, x जो है 1 से less है, मतलब 1 नहीं आएगा उसके अंदर, तो ये वाली value reject हो गई. अब एक value बची x is equal to 0, so therefore x is equal to 0. एक solution आपका ये आ गया. तो total कितने solution हो गए इसके, एक और एक दो. तो number of solutions 2. Hence the number of solutions, the number of solutions is equal to 2. दो number of solution होंगे इसके. So which option is correct? Option C is correct. आप चाहे तो लिख भी सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. इफ x इज रियल एंड k इज इक्वल टू x माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 देन. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? k की वैल्यू किस इंटरवल से बिलोंग करेगी, ये अपने कैलकुलेट करना है. तो मैं इसी को लेके पहले सॉल्व कर देता हूं. यहां पर k है और यहां डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर. तो ये हो जाएगा आपका kx स्क्वायर प्लस kx प्लस k का इनटू 1 में करेंगे तो k इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1. इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं इनको. kx स्क्वायर, x स्क्वायर का माइनस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस kx, माइनस x का प्लस x हो जाएगा शिफ्ट करेंगे तो, और प्लस k, और 1 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से फर्स्ट टू टर्म में से x स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये k माइनस 1 बच जाएगा, प्लस इन दो टर्म में से x कॉमन निकाल लेते हैं तो ये k प्लस 1 बच जाएगा, और प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके अंदर ये जो x है ये इसके रूट्स रहते हैं, तो x जो है वो रियल दिया हुआ. तो रियल रूट कब रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है. ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं. तो x इज रियल के लिए हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ले लेते हैं. देंस x इज रियल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू k माइनस 1, x का कोएफिशिएंट b इज इक्वल टू k प्लस 1 और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू k माइनस. रख दो ये वाली वैल्यूज यहां पर b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है x का कोएफिशिएंट k प्लस 1, k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k माइनस 1 और कांस्टेंट टर्म c है आपका k माइनस 1. a minus 1 is greater than or equal to 0. इसको सॉल्व कर लो. a plus b whole square के आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो k square plus 2k plus 1, ये k minus 1, k minus 1, k minus 1 का whole square हो जाएगा और सामने minus 4 है तो minus 4 का into भी करते हैं. k minus 1 whole square खोलेंगे तो k square आएगा plus का और सामने minus 4 है तो minus 4 k square. फिर आएगा b स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 आएगा, उसमें 4 का इनटू कर देंगे, माइनस 4 का इनटू कर देंगे तो माइनस 4. फिर आएगा माइनस 2k, माइनस 2k में माइनस 4 का इनटू करेंगे तो प्लस 8k हो जाएगा. इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. स्क्वायर सॉल्व कर लो, k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर हो जाएगा, 2k प्लस 8k 10k हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 4 माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. अब पहली टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू तो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा. करो इसमें माइनस 1 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस का माइनस 10k हो जाएगा, प्लस 10k का और माइनस 3 का प्लस 3, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू तो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा और 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, 0. तो 3k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 0.
ये आपका एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई। आप इसको सॉल्व करके अपने को के की वैल्यूज निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे हम, आप ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, इसकी मिडिल टर्म माइनस टेन के को ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मीन्स नाइन के स्क्वायर प्लस का हो जाए, दोनों को प्लस करने पर माइनस टेन के, तो प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन सम नेगेटिव है तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। दो नेगेटिव नंबर ऐसे सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने पर नाइन के स्क्वायर प्लस का हो जाए, प्लस करने पर माइनस टेन, तो माइनस नाइन के और माइनस के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस नाइन के स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस टेन के, तो ये हो जाएगा आपका थ्री के स्क्वायर माइनस नाइन के माइनस के प्लस थ्री इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो। देख लो इंटू करके माइनस नाइन के माइनस के का इंटू करेंगे तो प्लस नाइन के स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस टेन के, दो दो में से कॉमन निकाल लो, तो ये थ्री के कॉमन निकालेंगे यहाँ से फर्स्ट टू टर्म में से, यहाँ के बच जाएगा माइनस थ्री, और यहाँ से माइनस वन कॉमन निकालते हैं तो ये के माइनस थ्री इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो। आप के माइनस थ्री का फैक्टर कॉमन निकाल लेते हैं, ये के माइनस थ्री कॉमन निकाले तो यहाँ बच गया थ्री के, और ये माइनस वन इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो। अब देखिए के माइनस थ्री और थ्री के माइनस वन इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो आ रहा, यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई, तो अब यहाँ से हमको k की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हमको नंबर लाइन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इक्वल टू का साइन देते तो अपन डायरेक्ट आइदर जैसे इक्वल टू जीरो आर जैसे इक्वल टू जीरो ले, लेकिन ये इनइक्वालिटी का साइन है, तो अब आपको इसको नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, ये नंबर लाइन, अब यहाँ पर अगर अपन इस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखे तो के इज इक्वल टू थ्री, एक वैल्यू थ्री मिलेगी, और इसको जीरो के इक्वल रखे तो थ्री के इज इक्वल टू वन, तो के इज इक्वल टू वन अपॉइंट थ्री मिलेगी, तो दो नंबर मिल रहा है अपने को एक्स के, एक मिल रहा है वन अपॉइंट थ्री और एक मिल रहा है थ्री, तो यहाँ पर इस नंबर लाइन को तीन इंटरवल में डिवाइड करेंगे, दो वैल्यू मिल रही तो ये एक ये दो, देखो तीन इंटरवल बन जाएंगे एक दो और ये तीन। अब जो छोटी वैल्यू है एक थ्री है और एक के अपॉन के इजिकल टू वन अपॉइंट थ्री है, तो वन अपॉइंट थ्री आ जाएगा और थ्री आ जाएगा, ये वन अपॉइंट थ्री और ये थ्री। अब यहाँ देखो ये वन अपॉइंट थ्री और ये थ्री, और इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। अब ये यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वन अपॉन थ्री और थ्री भी उसके अंदर इंक्लूड रहेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो सर्कल है इसको डार्क कर देंगे। डार्क सर्कल का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट भी इंक्लूडेड रहेंगे, और हॉलो सर्कल का मतलब ये होता है कि पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड नहीं रहते, क्योंकि तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया दोनों पॉइंट। अब इस इंटरवल में ये अपने को वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके लिए अपन वन अपॉइंट थ्री से छोटी और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखो, तो वन अपॉइंट थ्री से छोटी वैल्यू होती है जीरो, ये जीरो से बड़ी वैल्यू है, इससे छोटी वैल्यू जीरो, तो जीरो इसके अंदर रखें तो ये जीरो, तो ये माइनस थ्री मिला, पहले फैक्टर ने आपको नेगेटिव वैल्यू दे दिया, फिर यहाँ भी आप जीरो रखेंगे तो ये भी आपको नेगेटिव वैल्यू दे देगा, तो एक नेगेटिव और आ जाए, दोनों नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको इस इंटरवल के अंदर, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी यहाँ पर इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और वन अपॉइंट थ्री से छोटी वैल्यू में, और वन अपॉइंट थ्री को भी अगर इंक्लूड कर लेंगे के प्लस वन अपॉइंट थ्री रखेंगे आप तो ये जीरो हो जाए, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू या जीरो के इक्वल वैल्यू मिलेगी। आपके सेंटरवल में वन अपॉइंट थ्री से बड़ी और थ्री से छोटी कोई वैल्यू टू, आप अगर अपन टू को यहाँ रखते हैं तो टू माइनस थ्री करेंगे तो पहला वाला फैक्टर आपको नेगेटिव वैल्यू दे देगा, फिर उसी टू को आप यहाँ रखो थ्री टू जा सिक्स माइनस वन करेंगे तो फाइव, ये पॉजिटिव दे देगा, नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस इंटरवल के अंदर जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ से, और अगर थ्री रख देंगे अपन और वन अपॉइंट थ्री इसके अंदर रख देंगे, जैसे थ्री रख दी अपन ने तो थ्री थ्री कैंसिल होकर जीरो आ जाए, वन अपॉइंट थ्री रखेंगे तब भी जीरो आ जाएगा, इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू रखेंगे तो आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, और इक्वल वैल्यू वैल्यू रख दी आपने वन अपॉइंट थ्री और थ्री रख सकते हैं तो जीरो मिलेगा। आप एक इंटरवल ये वाला थ्री से बड़ा और इन्फिनिटी छोटा फोर रख देते हैं, मान लीजिए फोर रखे आपने यहाँ पे के प्लस, तो फोर माइनस थ्री वन हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहाँ पहला वाला फैक्टर पॉजिटिव दे देगा, दूसरा फैक्टर यहाँ भी आप फोर रखो फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस वन करेंगे तो इलेवन, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये फैक्टर से भी पॉजिटिव, प्लस प्लस का इंटू करेंगे तो पॉजिटिव है, इस इंटरवल में वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलेगी, और अगर आपने थ्री रख दी इसके अंदर के की वैल्यू तो जीरो मिलेगी।
अब ये तीन इंटरवल आ गए आपके पास में, एक दो तीन, तीनों में से जो इंटरवल इसको सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को, वही अपनी के की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कैसी है, लेस देन आर इक्वल टू जीरो, लेस देन आर इक्वल टू जीरो मतलब नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए। इस इंटरवल में तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी या जीरो मिलेगा, इस इंटरवल में लेस देन जीरो नेगेटिव मिल रहा है, लेस देन जीरो मिलेगा, और ये इंक्लूडेड ये पॉइंट को इंक्लूड कर लेंगे तो इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। और इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो मिलेगी। तो ये वाला जो इंटरवल है 1/3, 3 वाला, इसमें 1/3 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है, तो ये वाली आपकी के की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा इस इंटरवल को, ये वाला इंटरवल अपनी गिवन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देगा। तो क्या हो जाएगा नंबर लाइन के थ्रू, देयरफॉर के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/3 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3, या इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, दैट इज के बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1/3, 3। देखिए 1/3, 3 क्लोज इंटरवल का मतलब इसमें 1/3 भी है, 3 भी है, 1/3 से बड़ी वैल्यू और 3 से छोटी वैल्यू, तो k belongs to closed interval 1/3, 3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लिख भी सकते हैं आप ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आर टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो रूट्स है वो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स है। कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब एक अगर 10 है तो दूसरा 10+1 11 हो जाएगा, एक रूट को अगर अपन अल्फा ले ले तो दूसरा α+1 हो जाएगा, ये होते हैं कॉन्सेक्यूटिव रूट्स। देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी, तो हम इस इक्वेशन के दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर रूट्स कंसिडर कर लेते हैं, अल्फा और α+1। एट अल्फा एंड α+1 बी टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के दो कंसेक्यूटिव इंटीजर रूट्स अल्फा और α+1 सपोज कर दिया, तो सम ऑफ रूट्स निकाल लो, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा के प्लस पे α+1 है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो बी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको यहाँ पर, माइनस बी दिख रही है, एक्स का कोफिशियंट माइनस बी है, तो ये माइनस माइनस बी, और ए की वैल्यू कितनी दिख रही है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1, ये कितना आ जाएगा आपका प्लस बी हो जाएगा, α+α 2α+1 इज इक्वल टू बी, ये एक वैल्यू तो आ गई अपने पास बी की वैल्यू। अब यही दो रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा के प्लेस पे अल्फा है और बीटा के प्लेस पे α+1, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो सी के प्लेस पे कितना दिख रहा है, सी है और ए के प्लेस पे 1, ये सी अपॉन 1, इसको सॉल्व करेंगे तो α² + α इज इक्वल टू सी, ये अपनी सी की वैल्यू भी आ गई। अब इस बी और सी की वैल्यू की हेल्प से हम डायरेक्ट b² - 4c निकाल सकते हैं, देयरफॉर b² - 4c इज इक्वल टू b² करेंगे तो 2α+1, ये b की वैल्यू है इसका स्क्वेयर कर दो, माइनस 4 और c की वैल्यू α² + α, वैल्यू रख दिया मैंने b की यहाँ से रख दिया और c की यहाँ से, इसको सॉल्व कर लो, इसको a प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी से ओपन के a² करेंगे तो 4α² + b² करेंगे तो 1² 1 + 2ab करेंगे तो 2 2 4α, इसमें 4 का इंटू कर दो और इस ब्रैकेट में माइनस 4 का इंटू कर दो तो -4α² - 4α, तो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, -4α² + +4α² कैंसल, -4α + +4α कैंसल, क्या बच गया आपका 1। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा और आप ऐसे इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ ए
such that x square minus 11x plus a is equal to 0 and x square minus 14x plus 2 is equal to 0 may have a common root is. देखिए ये दो इक्वेशन है, इन दोनों का में एक रूट जो है वो कॉमन है, तो ए की कौन सी वैल्यू होगी, ये जो ए दिख रहा है मिसिंग आपको, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन होगा। तो हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन को जो सेकंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और अपन माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं इसको प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स माइनस 14x का साइन चेंज करेंगे तो प्लस 14x और प्लस 2a का साइन चेंज करेंगे तो माइनस 2a। ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 11x माइनस का और 14x प्लस का, 14 में से 11 माइनस कर देंगे तो 3x, a माइनस 2a करेंगे तो माइनस a इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a अपॉन 3, और x क्या होता है इक्वेशन के अंदर, x उसका रूट होता है, तो ये x इज इक्वल टू a अपॉन 3 एक कॉमन रूट होगा, कॉमन रूट है, कॉमन रूट का मतलब ये है कि x की वैल्यू a अपॉन 3 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। अब अपने को ये a की वैल्यू निकालना है, तो अब देखिए जो x की जो वैल्यू आई है अपनी, ये जो रूट है जो कॉमन रूट है, अगर ये इन दोनों इक्वेशन का रूट है तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं, ये पहले वाले को सेटिस्फाई करा, इसको फर्स्ट दे दो और इसको सेकंड दे दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में x की प्लेस पे a अपॉन 3 रख देते तो a की वैल्यू आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप सेकंड में भी रख सकते हैं वैल्यू वही आएगी, x स्क्वायर तो a अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू x की वैल्यू a अपॉन 3 प्लस a इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी, a अपॉन 3 होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा माइनस 11 a अपॉन 3 और प्लस a इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 9 एलसीएम ले लो 9 और 3 का या 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो डिनोमिनेटर हट जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 3 का माइनस 11 a में इंटू करेंगे तो माइनस 33 a और 9 का a में इंटू करेंगे तो 9 a इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर माइनस 33 ए में से 9 ए माइनस करेंगे तो 13 माइनस 33 में से 9 ए को माइनस कर दो, माइनस 13 ए प्लस 9 कितना हो जाएगा माइनस 13 माइनस 9 4 और ये 2 माइनस 24 ए इज इक्वल टू 0, यहाँ से ए कॉमन निकाल लो, ये हो गया ए माइनस 24 इज इक्वल टू 0, आइदर ए इक्वल टू 0, आइदर a इक्वल टू 0 और a माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 24, तो देखिए a की दो वैल्यू आ रही है, a इज इक्वल टू 0 भी आ रहा है और a इज इक्वल टू 24 भी आ रहा है, तो जब a की वैल्यू 0 रख देंगे आप यहाँ पे तो एक कॉमन रूट मिलेगा, या a की वैल्यू 24 रखेंगे तो x जो है वो कॉमन रूट होगा आपको, तो आप अपने को a की वैल्यू कैलकुलेट करना, तब a की दो वैल्यू आ रही, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 0 और 24, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे इसके अंदर, ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा और ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा, ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। देखिए मल्टी करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी रहते हैं, तो ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन वाला है, इसमें 0 भी करेक्ट है और 24 भी करेक्ट है, तो ए की दो वैल्यू होगी, इसके लिए गिवन इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, ठीक है ऐसे कर देंगे आप इसे।